अगर हम आपसे कहें कि आपके कुछ बातों को गूगल रिकॉर्ड करता है तो आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे। दरअसल कंपनी आपकी आवाज़ और आप इंटरनेट पर वॉइस असिस्टेंट के जरिए क्या कुछ सर्च कर रहे हैं इसे अपने सर्वर पर सेव करती है। इसी आधार पर फिर आपको एड्स वगैरह दिखाई जाती हैं, यानी एक तरीके से गूगल आपकी हर बातचीत पर नज़र बनाए रखता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसकी इजाज़त आपने ही खुद गूगल को दे रखी है। अब इससे कैसे बचा जाए या इसको कैसे ठीक किया जाए, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। देखिए, गूगल आपकी बात ना सुने इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट में जाकर मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें वेब एंड ऐप एक्टिविटी के ऑप्शन पर आकर नीचे स्क्रॉल करें और वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी को आप अनचेक कर दें। अगर ये पहले से अनचेक है तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शनल टिक मार्क्ड है तो समझो अभी तक गूगल आपको सुन रहा था और आपकी आवाज़ को अपने AI टूल को बेहतर बनाने के लिए यूज़ भी कर रहा था। जी हाँ, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी के ऑप्शन को अगर आप डिटेल से समझेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी लोकेशन भी गूगल अपने सर्वर में सेव कर लेता है। इन सब की मदद से आपको और बेहतर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है और गूगल अपने AI टूल को आपकी कमांड के हिसाब से प्रशिक्षित कर और फास्ट बनाता है। गूगल के अलावा फ़ोन के ऐप्स में भी माइक्रोफोन के एक्सेस को बंद करके रखें। यदि आप माइक्रोफोन का एक्सेस किसी ऐप को देते हैं तो ये ऐप आपकी आवाज़ को सुन और रिकॉर्ड कर सकता है। खतरा तब ज़्यादा और बढ़ जाता है जब आप फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप्स रखते हैं, क्योंकि इन ऐप्स का कोई भरोसा नहीं होता कि ये किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं और इनका सर्वर किधर है और क्या कुछ डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी सलाह यही है कि हमेशा ऐप्स को ट्रस्टेड जगह से डाउनलोड करें और केवल उन्हीं चीज़ों का एक्सेस ऐप को दें जिसकी इसे ज़रूरत है, यानी सब पर टिक ना करें। काम हो जाने के बाद आप एक्सेस को तुरंत हटा दें। बेकार में किसी भी ऐप को अपनी बैंकिंग डिटेल्स, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स आदि का एक्सेस भी ना दें। साथ ही इस डिजिटल युग में कुछ भी कहीं से भी किया जा सकता है। सुरक्षित रहने के लिए बस एक यही तरीका है कि आप सूझबूझ के साथ हर सेटिंग को चेक या ऑफ कर दें। बहरहाल, और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।